बताइए, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, मरने आते हैं। आपको तो बताइए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमारा साथ नहीं दिया बच्चों का, जो एमसीडी उसने हमारा साथ नहीं दिया, आम आदमी पार्टी बीजेपी क्या करेगी? बच्चों के लिए कौन खड़ा नहीं है? देख रहे हैं बच्चों के लिए कोई नहीं है। हमें आतिशी जी इतने दिन बाद आई है बात करने एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली मचा रहे जो कि कहते हैं हंगामा, अगर ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे या कहते हैं तो हम लोग अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, बल्कि यहाँ के हंगामा मचाते हैं, हमारी बात नहीं आगे पर रही है। भीड़ लेके आए हैं, क्या कहते हैं भीड़ का क्या मतलब है इसमें? कहते हैं बीजेपी वाले और साथ में घुस गया। अब मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, बट आप दूसरी पार्टी वाले लोग क्यों आ रहे साथ में? विरोध कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर आए हुए हैं? वो तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो जो लगा रहे हैं। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाइन कर। इस समय मैं छात्रों के बीच मौजूद हूँ और छात्रों के बीच देखिए अभी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी पहुंची है, जिनका यहाँ पर जबरदस्त विरोध छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। गो बैक के नारे यहाँ पर छात्र लगाए जा रहे हैं। अभी शांतिपूर्ण छात्र यहाँ बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बातें सुन रहे, लेकिन जैसे ही मंत्री साहिबा आतिशी जी यहाँ पर पहुँचती हैं तमाम छात्र विरोध में उनके खड़े हो जाते हैं। गो बैक की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। अभी देख रहे वाली बात होगी, क्या छात्रों से मिल पाएंगी, क्या छात्र किसी तरीके की म्यूचुअल कंसेंट पे बात कर पाएंगे आतिशी जी से। लेकिन विरोध यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आतिशी जी का हो रहा है, छात्र क्योंकि नाराज़ हैं। पिछले 4 दिन से यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन 4 दिन बाद शायद यहाँ पर आतिशी जी पहुँची हैं। उसी को लेकर के विरोध यहाँ पर देख सकते हैं आप, छात्र गो बैक के नारे लगा करके उनको वापस जाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से विरोध जता रहे हैं। एक एक करके यहाँ पर जो भी लोग छात्रों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, छात्र पूरी तरीके से यहाँ देखिए शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली के अंदर, जल मंत्री भी हैं, वो आगे जाना चाहती है छात्रों के बीच में, लेकिन विरोध यहाँ पर छात्र जो है उनका कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। देखिए विरोध यहाँ जबरदस्त, दिल्ली सरकार के लिए देखिए इस समय काफ़ी मुश्किल जो है पड़ रही है, क्योंकि इस घटना के बाद से ज़बरदस्त विरोध दिल्ली सरकार का इस पूरे मामले पर हो रहा है। और देखिए पूरा उनको मॉब कर लिया गया है और कहीं ना कहीं विरोध यहाँ छात्र है, गो बैक के नारे साफ तौर पर लग रहे हैं, खासी नाराज़गी यहाँ पर आतिशी जी के खिलाफ में दिख रही है। शिक्षा मंत्री हैं, जल मंत्री हैं, उसके बावजूद इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं लापरवाही वाला रवैया उनका सामने आया है। उसी को लेकर के शायद छात्र यहाँ पर पूरी तरीके से नाराज़ हैं, विरोध यहाँ पर छात्र कर रहे हैं। देखिए उनको उनके समर्थक है जो चाह रहे हैं कि वो आगे की तरफ बढ़े, लेकिन लगातार उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। देखिए लोग देखिए उनके आने के लेकर के यहाँ पर विरोध भी हो रहा है। छात्र हैं जो गो बैक के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि देखिए मंत्री जी इसी घेरे के अंदर है, जिनको घेरे में, और देखिए यहाँ के MLA भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, MLA यहाँ पर धर्मेश जी पहुँचे हुए हैं, जो दुर्गेश पाठक जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो MLA हैं इस जगह के, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन छात्र यहाँ पर साफ तौर पे गो बैक के नारे लगा रहे हैं, कुछ छात्र जो कह रहे हैं जो भी उनके बीच में आ रहा है उसको आने दीजिए, मत विरोध कीजिए, लेकिन जो ज़्यादातर छात्र हैं वो इसके विरोध में हैं कि वो उनसे मिलने के लिए किसी को भी अपने पास नहीं चाहते। दुर्गेश पाठक और आतिशी दोनों को आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, दोनों हैं जो यहाँ तो देखिए गो बैक के साथ आप लोगों के लिए गो बैक के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं छात्रों द्वारा। क्या कहिए मैम, गो बैक के नारे आप लोगों के लिए लगाए जा रहे हैं, क्या नाराजगी की वजह आप लोग कह रही हैं, क्या सर क्या कहेंगे? गो बैक के नारे लगा रहे हैं छात्र यहाँ पे, वो तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो जो लगा रहे हैं। हमें छात्रों को सुनाया है, देखिए दुर्गेश जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मैम आती यहाँ पे पूरी तरीके से तीनों, देखिए मेयर साहिबा, वाटर
ऋषि तीनों लोग यहाँ पर छात्रों के बीच में पहुंचे हैं। नारेबाजी कर ली गई है, हमने बात करने की कोशिश की एमएलए से कि छात्र यहाँ पर इधर से सॉरी इधर की जाने दो इधर छात्रों के प्रदर्शन में घुस आए हैं, उनको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बार बार आगे जा रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहे हैं। छात्र हैं यहाँ की जो कि यहाँ पर नेता लोग पहुँचे, उनके साथ उनके समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर मेयर, मंत्री और विधायक तीनों पहुँचे हैं लगभग चार दिन के बाद, लेकिन छात्र एक साथ कह रहे हैं गो बैक। शायद वो लोग नहीं चाहते हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कन्विंस नहीं है ना। हाँ। कौन लोग कन्विंस नहीं है? स्टूडेंट ने बैठे थे, कॉमन सेंस है ना, आगे लोग बैठे इतने लोग बैठे तुम लोग। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? मैडम आप खुद बताइए, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं मरने आते हैं, आप खुद बताइए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमारा साथ नहीं दिया बच्चों का, जो एमसीडी उसने हमारा साथ नहीं दिया, आम आदमी पार्टी है बीजेपी क्या करेगी? बच्चों के लिए कौन कड़ा ये देख रहे हैं? बच्चों के लिए कोई नहीं है, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करने आ जाते हैं। बच्चों की बात करें तो कौन कड़ा है? हमें आतिशी जी इतने दिन बाद आई है बात करने, एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली की माननी चाहिए इनको। नाराजगी चाहते हैं, साथ में इतनी भीड़ लेके आए हैं, क्या कहते हैं ये भीड़ का क्या मतलब है इसमें? क्या कहते हैं बीजेपी वाले और साथ में घुस गया। अब मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, बट आप दूसरी पार्टी वाले लोग क्यों आ रहे हैं साथ में? एग्जैक्टली, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जो कि एक्सपीरियंस लिए वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? उनका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे आने के बाद, ये ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं जो कि क्या कहते हैं हंगामा, अगर ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे क्या कहते हैं तो हम लोग अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, बल्कि यहाँ के हंगामा मचाते हैं, हमारी बात नहीं आगे आ पा रही है। राजनीति कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली, आज आतिशी जी भी पहुंची है चार दिन के बाद में, क्या करेंगे? आतिशी चार दिन की बात है, बट यार इससे पहले देखिए कुछ लोग जो है बोल रहे हैं यहाँ पे छात्र की, वो छात्र नहीं है, जो नेता लोग हैं उनके साथ आ गए और उनके प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं बदनाम और बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आगे मंत्री लग गए हैं, मैंने खुद विधायक से बात की तो उन्होंने कहा ये लोग बीजेपी वाले हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, छात्र जो है विरोध नहीं कर रहे ऐसा यहाँ पर कहने वाले हैं। लेकिन छात्र हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। इससे पहले देखिए यहाँ पर जयप्रदा जी आई हुई हैं या शायद चली गई हैं, उनका भी विरोध पूरी तरीके से हुआ था। और अब जब दिल्ली सरकार में तीनों देखिए यहाँ के एमएलए हैं, मेयर है और मंत्री, ये तीनों यहाँ पर पहुँचते हैं तो छात्र पूरी तरीके से विरोध में खड़े हो जाते हैं और शर्म करे के इस तरीके के नारे लगा रहे हैं क्योंकि तीन छात्रों की हम आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई पॉलिटिकल लीडर आए हुए हैं, वो यहाँ के एमएलए हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, तो आप लोग क्यों नहीं चाहते वो लोग आए आपके बीच में? वो लोग बात को भटका देंगे, झूठ का इसलिए बात को भटका देंगे, जो आपकी मांगे हैं उससे कहीं और चले जाएं। हाँ, उनका तो काम है, लेकिन हो सकता है वो आप लोगों से बात करें, कुछ बीच का रास्ता निकले, उम्मीद नहीं है हमें उनसे। छात्र यहाँ पर कह रहे कि उम्मीद यहाँ पर उन लोगों को नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त विरोध यहाँ पर छात्रों का द्वारा किया जा रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ अब उनके बीच में आए। चार दिन के बाद शिक्षा मंत्री दिल्ली के अंदर है, जल मंत्री दिल्ली के अंदर है, आतिशी जी आज चार दिन के बाद आती हैं और उनको इसकी के चलते भारी विरोध का सामना यहाँ पर छात्रों के द्वारा किया जाना पड़ता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए ज़्यादा, आप देख सकते हैं।